बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन बसपा कार्यकर्ताओं ने जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर सबसे पहले केक काटकर बसपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। फिर उसके बाद कड़ाके की ठंड में गरीबों को कंबल और मिठाई बांटी गई। वहीं मुरादाबाद में सिविल लाइन्स इलाके के अम्बेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में बसपा के नगीना सांसद गिरीश चंद और मंडल जोनल इंचार्ज रणविजय सिंह एडवोकेट ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश सागर और संचालन बसपा नेता निर्मल सिंह सागर ने किया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती का 67वां जन्मदिन जन कल्याण दिवस के रूप में मनाते हुए बसपा कार्यकर्ताओं ने गरीबों को कंबल वितरित किए। कंबल पाकर गरीबों के चेहरे खिले और उन्होंने भी मायावती की लंबी उम्र के लिए दुआ की। इस दौरान बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी इरशाद सैफी ने बताया कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के मौके पर गरीबों को कंबल बांटकर उनकी लंबी उम्र की दुआएं की हैं। वहीं भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए इरशाद सैफी ने कहा कि सरकार में नौजवानों के लिए नौकरियां नहीं हैं। ऐसे में आने वाले समय में या तो बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी या उनके समर्थन के बिना कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। आज कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का 67वां जन्मदिन था, जो जन कल्याणकारी योजनाओं के रूप में मनाया जाता है। और पिछले वर्षों के भी तरह इसी तरह मनाया गया, इस साल भी संदेश देना चाहते हैं। जो सरकार चल रही है प्रदेश में और देश में, इसमें जो है बेरोजगारी और भुखमरी और महंगाई चरम सीमा पे है, इससे निजात पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है 2024 में। इसी तैयारी चल रही है। 2024 में या तो बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी या बहन जी के बिना कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। केक भी काटा गया है क्योंकि जन्मदिन था, मुबारक मौका था। इस मुबारक मौके पे जन्मदिन पे केक भी काटा गया है, मिठाई भी बांटी गई है और 30 से 35 हज़ार कंबल भी बांटे गए हैं गरीबों को।